आप मेरे सामने एक बहुत बड़ी सी इमारत देख रहे होंगे, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग, या फिर ये कहें कि बहुत ही अच्छा प्लेस देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मैं केरला में हूँ और केरला की कोची सिटी में हूँ और यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ कितने अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेज हैं और आपको कहाँ पर जाना चाहिए। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आ गया हूँ कोची, या फिर कहें कि केरला के एक बहुत ही सुंदर चर्च, जो एक बहुत ही हिस्टोरिकल चर्च है, यहाँ पर आ गया हूँ। और इसे बनाया गया था 1429 ईस्वी में। तो आप सोच सकते हैं कितना सुंदर और कितना अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ बनाया गया है। तो चलिए आगे चल के मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इस चर्च का ओरिजिनल नेम है सेंट जॉर्ज चर्च, जो कि मान्यता है कि पहले सन 1098 में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया 1429 में। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि ये कहाँ पे स्थित है और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और इस ब्यूटीफुल प्लेस पे आप क्या क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा। ये इस चर्च का मेन एंट्रेंस है। अगर विकिपीडिया की बात की जाए तो लगभग 5 मिलियन पीपल एवरी ईयर यहाँ पे विजिट करते हैं। देश के साथ साथ विदेशी लोग बहुत ही ज़्यादा इस प्लेस को विजिट करते हैं, जिसका नाम है सेंट जॉर्ज चर्च और लोकली इसे इडापल्ली चर्च के नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो इडापल्ली चर्च के नाम से अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आप गूगल मैप के द्वारा आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर अंदर वीडियोग्राफी मना है, बट मैं आपको कुछ फोटो क्लिक किया हूँ, मैं उसको भी दिखाऊंगा। लेकिन अब आप पहले ये पिलर्स देख सकते हैं, कितने ह्यूज पिलर्स बनाए गए हैं और इसके जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। एज पर माय व्यू, अगर जैसा ऊपर आप देख सकते हैं, ये गुंबद है, यहाँ पे गुंबद पे भी बहुत सारी आकृति बनाई गई हैं, बहुत सारे स्टैचू बनाए गए हैं, जिसे मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको ट्रेन के द्वारा भी आ सकते हैं, ट्रेन मीन्स मेट्रो के द्वारा। यहाँ पर अगर आप मेट्रो ट्रेन से आओगे तो यहाँ पर इडापल्ली रेलवे स्टेशन है, इडापल्ली स्टेशन है मेट्रो का। तो मेट्रो से इडापल्ली स्टेशन पे उतरोगे और वहाँ से जस्ट ये 100 मीटर दूर है, तो आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं मेट्रो के द्वारा। अगर आप स्कूटी या बाइक के द्वारा आओगे या कार के द्वारा आओगे तो आपको जस्ट गूगल में सर्च करना पड़ेगा इडापल्ली चर्च और आप आसानी से यहाँ पर पहुँच जाओगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है, कितने अच्छा कलर्स पेंटिंग की गई है। ये पत्थर है, इनमें कोई पेंटिंग नहीं की गई है, बट ऐसे बना दिया गया है कि पेंटिंग करने की ज़रूरत ना हो, ओनली वाइट पेंट यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जैसा कि सभी चर्च में किया जाता है। तो ये कुछ एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, बट इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बाहर से एक फ़ोटो लिया था, तो वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि अंदर चर्च के अंदर की फ़ोटो कैसी है। तो चर्च के अंदर की फ़ोटो ऐसे ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को बनाया गया है और बहुत अच्छी अच्छी आकृति अंदर है, लेकिन मैं अंदर की फ़ोटो क्लिक नहीं कर सका। आप ये गुंबद को देख लीजिए, ये देख लीजिए कितना अच्छी अच्छी आकृति यहाँ पर बनाई गई है। मैं जूम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।
इडापल्ली चर्च जो कि एक फेमस चर्च है, 1429 ईस्वी में बनाया गया था और मान्यता ऐसी भी है कि यह केरला का सबसे पुराना चर्च है और पूरे एशिया का लार्जेस्ट श्राइन है, मतलब लार्जेस्ट तीर्थ स्थान है क्रिश्चियन लोगों का, जो कि पूरे एशिया का लार्जेस्ट, आप सोच सकते हो पूरे एशिया का लार्जेस्ट, मतलब इतना बड़ा बनाया गया है। एशियन कंट्री बहुत सारी हैं लेकिन सबसे बड़ा है ये। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को देख सकते हैं, स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इसके साथ मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ, आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं ये जो एंट्रेंस पे एक बनाई गई है आकृति, ये सब चीज़ से रिलेटेड इनका क्रिश्चियन लोगों से ही है, बट इतनी अच्छी आकृति, इतनी अच्छी कला का प्रदर्शन किया गया है यहाँ पे, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल क्रिश्चियन लोग होते हैं, ये एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल प्लेस बन गया है इंडिया का, इसलिए यहाँ पर देश और विदेश से लोग यहाँ पर हर साल घूमने आते हैं, वही बहुत ही मात्रा में। ये वही एरिया है जहाँ पर खड़े होके आप मेरे जैसी बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, उस सामने उस पोल के पास खड़े होके, जो कि सभी लोग नॉर्मली करते हैं यहाँ पर आके, और आप ये देख सकते हैं यहाँ से। अब अगर आपको इन करने का रास्ता उधर से है, ये आउट करने का रास्ता है, यहाँ से मतलब एग्जिट होना है, एक तरफ से इन होना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ग्रेवयार्ड बनाए गए हैं, ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ पे प्राचीन जो इनके सेंट थे, या फिर सन 1000 या सन 1200 ईस्वी में, सन 1300 ईस्वी में जो लोग थे यहाँ पे ना, उनका स्मारक बनाई गई है, वो नीचे साइड है, तो उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि उनकी स्मारक को बनाया गया है, इतनी पुरानी स्मारक को सेव करके रखा गया है, उनके नाम, उनके बर्थ डेट के साथ यहाँ पे पूरा, और कब से कब तक वो थे, पूरी उनकी फ़ोटो के साथ यहाँ पे रखा गया है और मेंटेन किया गया है यहाँ पे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इतने पुराने पुराने लोगों की हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है, कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, केरला के लिए क्या किया, सब कुछ बताया गया है और पूरी हिस्ट्री यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है इडापल्ली चर्च के बारे में। तो ये बाहर का है व्यू, यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं, और केरला में आए हो तो इडापल्ली चर्च को एक बार ज़रूर घूमना, क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिकल और एशिया का लार्जेस्ट श्राइन है, मतलब एशिया का बहुत ही बड़ा चर्च है पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी में। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।